मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। आलिया भट्ट के एक्टिंग में दिन ब दिन सुधार हो रहा है, ये आपने और हमने उनकी हाल फिलहाल रिलीज हुई फिल्मों में तो महसूस किया ही है। अगर ये कहा जाए कि वो अब अपने किरदार को पहले से ज्यादा खूबसूरती से निभाने लगी हैं तो ये गलत नहीं होगा। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट आलिया 1999 में आई फिल्म संघर्ष में नजर आई थी। जितनी क्यूट आलिया अपनी इस उम्र में दिखती है उससे भी कहीं ज्यादा क्यूट वो बचपन में थी। कुछ ही वक्त में आलिया दर्शकों की सबसे पसंदीदा एक्ट्रेस भी बन गई हैं। इसी वजह से आजकल वो तारीफों का सबब भी बनी हुई हैं, पर कुछ और भी है जिसकी वजह से अक्सर वो सुर्खियों में बनी रहती हैं, और वो है सिद्धार्थ मल्होत्रा से उनके लिंकअप की खबरें। जी हाँ, और इस खबर को जरा और मजबूत कर दिया है आलिया भट्ट के उस बयान ने जो उन्होंने हाल फिलहाल दिया है। उनसे एक सवाल पूछा गया कि अगर वो इस दुनिया की आखिरी औरत हों और एक नई सभ्यता शुरू करने के लिए वो रणवीर सिंह, सिद्धार्थ मल्होत्रा, वरुण धवन, शाहिद कपूर और रणबीर कपूर में से किसको चुनेंगी, ऐसे में उन्होंने बिना एक पल की देर किए सिद्धार्थ का नाम ले डाला। दरअसल आलिया ने सिद्धार्थ के साथ अपने रिश्ते को लेकर चुप्पी तोड़ते हुए सरेआम और बेबाकी से कहा कि वो सिद्धार्थ के बच्चों की माँ बनना चाहती हैं। वैसे ये थी वो बात जो आलिया के मन में थी और उन्होंने सबके सामने जाहिर कर दी। अब आपको ये बता दें कि आजकल आलिया आखिर कर क्या रही हैं। जी हाँ, आलिया आजकल ड्रीम टीम टूर में भाग लेने के लिए अमेरिका पहुंची हुई हैं। इसके बाद वो वरुण धवन के साथ धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म श्रुति में नजर आएंगे। तो ये थी खबर आलिया भट्ट से जुड़ी हुई। इसी खबर के साथ फिल्म बीट में बस इतना ही।